हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज जो है हम देखने वाले हैं UGMSC का जो है मॉक काउंसलिंग के बाद जो है कितना सीट जो है बचा हुआ है अभी भी शेष, यानी कि जो है 5 तारीख से स्टार्ट हुआ था और जो है आज 7 तारीख है और 7 तारीख को जो है काउंसलिंग होने के बाद जो है कितना सीट अभी भी जो है वैकेंट सीट खाली है। तो आज हम देखने वाले हैं इस लिस्ट में। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो वैकेंट सीट पोजीशन जो है आज काउंसलिंग के बाद जो लिस्ट जारी किया गया है तो वो देख लेते हैं कितना सीट जो है अब बच रहा है शेष और किस कैटेगरी में कितना सीट है और उस हिसाब से जो है आप काउंसलिंग के लिए जाइएगा। तो आप जो है सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे UGMSC दिया गया है 2021 मॉप अप काउंसलिंग और जो है वैकेंट रिपोर्ट जो है 7/4/2022 यहाँ पर दिनांक मेंशन किया गया है। तो कुछ बात और जान लीजिए, देखिए काफ़ी स्टूडेंट जो है पहुंच नहीं पाते हैं या एडमिशन नहीं लेते हैं, इस वजह से जो है सीट भी खाली रह जाता है। इसलिए अगर आपका लिस्ट में नाम है तो ज़रूर जाइएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर लिस्ट में नाम है तो ज़रूर जाइएगा, अगर आपके कैटेगरी में सीट नहीं है तब नहीं जाइएगा, लेकिन अगर सीट है तो ज़रूर जाइएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा और आपका जो है एडमिशन हो सकता है जाने के बाद ही, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिस अनुसार जो है UR में यहाँ जो फुल हो चुका है 2 सीट, यहाँ देख सकते हैं 6 और 3 बचा हुआ है, इधर देख सकते हैं बेतिया दिया गया है और इस हिसाब से आप देख सकते हैं जो है 27 सीट जो है यहाँ पर शेष अभी जो है बचा हुआ है, ठीक है, टोटल जो है 27 सीट। और यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन, ये जो 9 सीट है वैकेंट रह जाता है तो इसको जो है UR कैंडिडेट अगर नहीं पहुँचते हैं या नहीं है तो उसके बाद जो है कैटेगरी को दे दिया जाता है, यानी कि BC कैटेगरी में दिया गया है, EBC EWS कैटेगरी में दिया गया है, मतलब कैटेगरी में जो है इस सीट को भी जो है फुल कर लिया जाता है सभी कैंडिडेट का जो है एडमिशन लेकर के दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट को भी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें जो देख सकते हैं आप काफ़ी देख सकते हैं यहाँ पर जो है 0-0 हो चुका है और जो है अनरिजर्व में इसमें जो है अभी काफ़ी सीट बचा हुआ है, 398 जो है अनरिजर्व में सीट अभी जो है बचा हुआ है। तो यहाँ तो बम्फर सीट देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा UR कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अदर कैटेगरी में तो 0 हो चुका है, लेकिन आप यहां पर भी देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में 115 सीट वैकेंट शो हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट। यहां पर देख सकते हैं मधुबनी में जो है MMC मधुबनी में MBBS का जो है 23 सीट शेष बचा हुआ है। और उसके बाद देख सकते हैं यहां पर जो है PDC पटना, यहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ 1 सीट बचा हुआ है मात्र, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख करके भी जाइएगा क्योंकि आपका लिस्ट में अगर नाम हो और यहाँ पर सीट नहीं हो तो मत ही जाइएगा क्योंकि वहाँ से हो सकता है रिटर्न भी आना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर 129 सीट खाली है, यानी कि UR कैटेगरी का ही। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल 9 सीट खाली है, इस हिसाब से जो है आप देख पा रहे होंगे जो टोटल सीट कितना खाली है। अभी नीचे आकर के देखते हैं तो सबसे नीचे आएंगे तो आप जो है यहाँ पर देख पाएंगे 743 सीट जो है अभी भी खाली है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और इस PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जो है आप आसानी से इस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं कितना सीट कौन से कॉलेज में और कहाँ क्या बचा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा सभी कैंडिडेट, और अगर डाउनलोड कर लीजिएगा इच्छा हो तो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर, और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।